हाय गाइस, कैसे हो? लेकर आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए BTTH के एक और न्यू इंटरेस्टिंग नॉवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। इस एपिसोड में जियाओयान रिफाइन करने वाला है एक टायर 7 के हाई ग्रेड पिल को, और इसी एपिसोड में जियाओयान की फाइट होने वाली है बर्निंग फ्लेम वैली के ग्रेट एल्डर से, जो कि अभी के लिए डाउ जून लेवल पर है। एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग से नॉवल एक्सप्लेनेशन को। लेकिन उससे पहले अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा तो जाकर देख लो, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ ने जियाओयान पर अटैक कर दिया था, तो जियाओयान ने भी अपने एंग्री बुद्धा लोटस से अटैक कर दिया था, और उन दोनों के अटैक से आपस में टकराने से काफी बड़ा एनर्जी का ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद जियाओयान ने बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ से पूछा था कि क्या उसने इस टेस्ट को पास कर लिया या नहीं। अब आगे एपिसोड 108 की स्टार्टिंग उसी सीन से होती है जहां बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ बोल रहे थे, लिटिल फ्रेंड यान शाओ, बिल्कुल आपने इस टेस्ट को सक्सेसफुली पास कर लिया है। दरअसल जियाओयान ने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए यहां अपना नाम यान शाओ बताया था। फिर बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ बोलते हैं, जबकि मुझे 2 हाई टायर एल्केमिस्ट मिल चुके हैं तो मैं अब सक्सेसफुली पिल को रिफाइन कर सकता हूं। और फिर वह एल्केमिस्ट हुआन से बोलते हैं, इस पिल को रिफाइन करने के बाद बर्निंग फ्लेम वैली आपको जो भी रिवॉर्ड चाहिए बर्निंग फ्लेम वैली आपको वो रिवॉर्ड देगा। और फिर वह जियाओयान से पूछते हैं, मिस्टर यान शाओ आपको रिवॉर्ड में क्या चाहिए, आप किसी भी चीज को मांग सकते हैं। तो जियाओयान बोलता है, सच में किसी भी चीज को? और फिर वह बताता है, मुझे जो ट्रेजर चाहिए वह बर्निंग फ्लेम वैली का सबसे कीमती ट्रेजर है। मुझे पता है वह बर्निंग फ्लेम वैली के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और कोई भी आउटसाइडर उसे नहीं ले सकता, लेकिन वह मेरे लिए भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इधर हम लोग बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ को देखते हैं, जो कि जियाओयान की इस तरह की बातें सुनकर उनके पसीने निकलने लगते हैं, और वह बोलते हैं, आखिर मिस्टर यान शाओ को बर्निंग फ्लेम वैली से ऐसा क्या चाहिए? लगता है मुझे इसके बारे में एल्डर से बात करनी होगी। जिस पर वहाँ पर मौजूद एल्डर बोलते हैं, चीफ इसके बारे में आपको हमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मिस्टर यान शाओ इतनी यंग एज में दाओ जोंग लेवल पर हैं, साथ ही वह एक टायर 7 के एल्केमिस्ट भी हैं, वह पूरी तरह से परफेक्ट हैं प्रिंसेस के लिए। जिस पर बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ इमोशनल होते हुए बोलते हैं, लेकिन योर अभी काफी छोटी है, आखिर मैं उसकी मैरिज मिस्टर यान शाओ के साथ कैसे कर सकता हूँ। यह सुनकर दो जियाओयान पूरी तरह से शॉक हो चुका था, और वह बोलता है, आखिर आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो, लगता है आप लोगों को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। और तभी वहाँ पर प्रिंसेस योर आ जाती है और बोलती है, कौन है वो जो मुझसे शादी करना चाहता है, पहले उसे मुझे फाइट में हराना होगा। तो जियाओयान अजीब सी शक्ल बनाते हुए बोलता है, प्रिंसेस लगता है यहाँ कोई जरूर गलत फहमी हुई है, मुझे बर्निंग फ्लेम वैली की स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज टेक्निक चाहिए। तो बर्निंग फ्लेम वैली का चीफ बोलता है, लेकिन मेरा सबसे कीमती ट्रेजर तो मेरी डॉटर है, क्या तुम मेरी डॉटर के बारे में बात नहीं कर रहे थे? तो जियाओयान बोलता है, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं तो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस टेक्निक के बारे में बात कर रहा था। तो बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ बोलते हैं, मैं टायर 7 के बोधिसत्व मेडिकल पिल को प्रिंसेस योर की इंजरी को ठीक करने के लिए रिफाइन करना चाहता हूँ, लेकिन जो तुम मांग रहे हो वह मेरे बर्निंग फ्लेम वैली के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन मेरे डॉटर से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, फिर भी मैं स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के सीक्रेट को किसी और को नहीं दे सकता। और फिर वह जियाओयान से बोलते हैं, मिस्टर यान शाओ प्लीज आप इस रिक्वेस्ट को चेंज कर दें। और फिर वह जियाओयान को बताते हैं, प्रिंसेस योर के पास बस अब आधा साल बचा हुआ है, मुझे कैसे भी करके इतने टाइम के अंदर बोधिसत्व मेडिकल पिल को रिफाइन करना है। जिस पर जियाओयान बोलता है, जहाँ तक मुझे पता है बोधिसत्व मेडिकल पिल एक टायर 7 की हाई ग्रेड की पिल है, भले ही अभी आपके पास 2 हाई टायर एल्केमिस्ट हैं, लेकिन फिर भी इस पिल को रिफाइन करने का 50% से भी कम चांस है, लेकिन अगर मैं आपने हेवेनली फ्लेम को यूज करूं तो इस पिल को रिफाइन करने का चांस 70% से बढ़ जाएगा। जियाओयान के पास 3-3 हेवेनली फ्लेम देखकर बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ शॉक हो गए थे, जिस पर बर्निंग फ्लेम वैली के सेकंड एल्डर बोलते हैं, हालांकि हम तुम्हें स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस टेक्निक को डायरेक्ट रिकॉर्ड के रूप में नहीं दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें उसे हासिल करने का एक मौका जरूर दे सकते हैं। तो बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ बोलते हैं, एल्डर आप क्या बोल रहे हो? तो सेकंड एल्डर बोलते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं बाकी सभी एल्डर्स से इसके बारे में बात कर लूंगा। फिर वह जियाओयान से बोलते हैं, लेकिन उससे पहले तुम्हें सक्सेसफुली बोधिसत्व पिल को रिफाइन करना होगा और फिर बर्निंग फ्लेम वैली के एल्डर्स के टेस्ट को भी पास करना होगा, जिसके बाद ही तुम स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस को ले सकते हो। तो जियाओयान बोलता है, ठीक है
मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जियाओ यान इतनी बड़ी फर्नेस को देखकर शॉक हो चुका था और सोचता है बर्निंग फ्लेम वैली के पास सच में यह चीज भी है। और फिर जियाओ यान से उस पिल को रिफाइन करने के लिए उसके फॉर्मूला को देखने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है इस पिल को रिफाइन करने के लिए पूरे 888 इंग्रेडिएंट्स लगने वाले थे, साथ ही इस पिल को रिफाइन करने में कई दिन भी लगने वाले थे। फिर बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ बोलते हैं, मैं एक एल्केमिस्ट नहीं हूँ, जिस वजह से मेरा मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के ऊपर कंट्रोल कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे पास असेंस फायर है जिससे मैं केवल मेडिकल इंग्रेडिएंट्स को ही रिफाइन कर सकता हूँ, और इसको लास्ट में मर्ज करने का काम आप दोनों का होगा। तो जियाओ यान बोलता है, वैली चीफ आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ अपनी 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम का यूज करते हुए उस मेडिकल पिल में लगने वाले इंग्रेडिएंट्स को रिफाइन करने लगते हैं, जहां उन्हें ऐसा करते हुए पूरे 10 दिन बीत गए थे, और फिर वह आखिर में बाकी बची हुई इंग्रेडिएंट्स को भी रिफाइन कर देते हैं। तो जियाओ यान बोलता है, वैली चीफ अब आप रेस्ट करिए। इसके बाद आता है इस पिल को रिफाइन करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जिसमें जियाओ यान और एल्केमिस्ट हुआन को मिलकर सभी इंग्रेडिएंट्स को मर्ज करके उस पिल को रिफाइन करना था। जियाओ यान उस पिल को रिफाइन करने के लिए अपना पूरा 100% दे रहा था, लेकिन दूसरी तरफ एल्केमिस्ट हुआन की हालत अब धीरे धीरे खराब होने लगती है, जिसे देख बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ बोलते हैं, 9 ड्रैगन लाइटिंग फ्लेम एल्केमिस्ट हुआन के लिए काफी पावरफुल है। और फिर एल्केमिस्ट हुआन और जियाओ यान अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं, जिससे वह पिल अब धीरे धीरे अपना फॉर्म लेने लगता है। लेकिन तभी अचानक से एल्केमिस्ट हुआन की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उनके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। फिर भी वह उस पिल को बनाने के लिए रुकते नहीं, पर लगातार इतनी ज्यादा एनर्जी का यूज करने की वजह से एल्केमिस्ट हुआन काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुके थे, जिस वजह से अब उनकी पावर धीरे धीरे कम हो रही थी, जिससे वह सभी इंग्रेडिएंट्स जो अब मर्ज हो रहे थे धीरे धीरे अलग होने लगते हैं। एल्केमिस्ट हुआन अपना पूरा ट्राई करते हैं, लेकिन हम लोग देखते हैं इससे उनकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह से और भी ज्यादा ब्लड निकलने लगता है, जिससे अभी के लिए पिल को रिफाइन करने का पूरा जिम्मेदारी जियाओ यान के ऊपर आ जाता है, क्योंकि अभी के लिए एल्केमिस्ट हुआन इस काबिल नहीं थे कि वह फिर से इस पिल को बनाने के लिए अपनी एनर्जी का यूज कर सके। जियाओ यान को देखते हैं उसकी भी हालत धीरे धीरे खराब होने लगती है और उसके मुंह से भी ब्लड निकलने लगता है। जियाओ यान खुद को संभालते हुए बोलता है, स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज के लिए मुझे इस पिल को रिफाइन करना ही होगा, और अपनी एनर्जी को काफी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे वह सभी इंग्रेडिएंट्स जो अलग हो चुके थे अब एक साथ मर्ज होने लगते हैं। और तभी अचानक से काफी पावरफुल एनर्जी उस पिल से निकल के आसमान की ओर जाती है, जिसे देख बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ काफी ज्यादा खुश हो चुके थे, क्योंकि इसका मतलब था जियाओ यान ने सक्सेसफुली बोधिसत्व पिल को रिफाइन कर लिया है। पर तभी हम लोग देखते हैं आसमान से जियाओ यान के ऊपर थंडर लाइटनिंग होती है, जिसे देख बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ बोलते हैं, यह तो टायर 7 के पिल की लाइटनिंग है। जब भी कोई एल्केमिस्ट हाई टायर पिल को रिफाइन करता है तो उसे इस तरह की थंडर लाइटनिंग का सामना करना पड़ता है, और फिर वह जियाओ यान को थंडर लाइटनिंग से बचने के लिए बोलते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं जियाओ यान अपने डीमन पपेट को समन कर लेता है और वह लाइटनिंग उस पपेट से टकराता है, तो डीमन पपेट उस लाइटनिंग को अब्सॉर्ब कर लेता है। लेकिन तभी आसमान से एक बार फिर लाइटनिंग होती है, जो कि पिछले वाले के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल थी, जो एक ड्रैगन के फॉर्म में थी। जियाओ यान अपने डीमन पपेट को इस लाइटनिंग को अब्सॉर्ब करने के लिए ऑर्डर देता है, क्योंकि इस लाइटनिंग को अब्सॉर्ब करने के बाद डीमन पपेट और भी ज्यादा पावरफुल होने वाला था, और फिर वह डीमन पपेट उस लाइटनिंग को अब्सॉर्ब करने लगता है, जिससे वह एक अर्थ रैंक के पपेट में ट्रांसफर हो जाता है और उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ जियाओ यान की तरफ आते हुए बोलते हैं, मिस्टर यान शाओ, क्या आप ठीक हैं? तो जियाओ यान बोलता है, यहाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वह बोधिसत्व पिल को बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ को दे देता है, जिसे देखने के बाद तो बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और बोलते हैं, मिस्टर यान शाओ, मैं आपके इस काइंडनेस को कैसे रिपे करूंगा। और तभी इस जियाओ यान इतनी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करने की वजह से बेहोश होने लगता है, तो बर्निंग फ्लेम वैली के चीफ उसे पकड़ लेते हैं। जियाओ यान बोलता है, एक टायर 7 के हाई ग्रेड पिल को रिफाइन करना सच में इतना आसान काम नहीं है, और बेहोश हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है 5 दिन बाद का सीन, जहां जियाओ यान जब होश में आता है तो अपने सामने टियान हुआ जुनजे को देखकर बोलता है, सीनियर आपने तो बोला था आपको ब्लड फूल से एनर्जी अब्सॉर्ब करनी है, इसके बाद आपको रेस्ट करने की जरूरत थी, तो आप इतनी जल्दी कैसे रिकवर हो गए। जिस पर टियान हुआ जुनजे बोलते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रिकवर हो चुका था, लेकिन तुम्हारे आसपास इतने पावरफुल डाउजोन लेवल के वॉरियर थे, जिस वजह से मैंने बाहर आना ठीक नहीं समझा, लेकिन अगर मेरे पास मेरी बॉडी होती तो मुझे छुपने की कोई जरूरत नहीं थी। इसमें सारी गलती तुम्हारी है,
तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए एक बॉडी रिफाइन करोगे, लेकिन तुमने अभी तक नहीं किया। तो जियाओयान बोलता है, अभी के लिए मैं अकेले टायर 7 के हाई ग्रेड की लाइफ बोन मर्जिंग ब्लड पिल को रिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन इसके लिए जरूर कोई दूसरा रास्ता होगा। और फिर वह मास्टर याओ लाओ की स्टोरेज रिंग को देखने लगता है, जहां उसे एक लेवल 7 के पिल को रिफाइन करने का स्क्रॉल मिलता है, जिसे वह टियान हुआ जुनजे को दिखाते हुए बोलता है, सीनियर, यह एक टायर 7 की मिडिल ग्रेड की यिन यांग लाइफ टेकिंग पिल का स्क्रॉल है। इसका भी काम सोल को बॉडी के साथ मर्ज करना है। मिडिल ग्रेड की होने की वजह से मैं इस पिल को रिफाइन कर सकता हूँ। अब बस मुझे आपके लिए एक पावरफुल दाओ जोंग लेवल के वॉरियर की बॉडी चाहिए। इसके बाद मैं आपके सोल को उस बॉडी के साथ मर्ज कर दूंगा। मैं तुम पर एक बार फिर से ट्रस्ट कर रहा हूँ। जल्दी जाओ और पिल्स को रिफाइन करो। अपना टाइम उस लड़की के साथ फ्लर्ट करने में वेस्ट मत करना। और तभी वहाँ पर प्रिंसेस योर आ जाती है और जियाओ यान को होश में देखकर बोलती है, शुक्र है आप ठीक हैं। आपने तो हमें डरा ही दिया था, आप पिछले 5 दिनों से बेहोश थे। तो जियाओ यान पूछता है, जबकि मैंने बुद्धिस्ट तो पिल को रिफाइन कर लिया है, तो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को लेने के लिए एल्डर मेरा टेस्ट कब लेने वाले हैं? तो प्रिंसेस योर बोलती है, अभी के लिए सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। इसके बाद में बर्निंग फ्लेम वैली के मीटिंग हॉल को दिखाया जाता है, जहां ग्रेट एल्डर बोल रहे थे, मैं स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को किसी आउटसाइडर को देने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। तो सेकंड एल्डर बोलते हैं, हमने मिस्टर यान शाओ को पहले ही इसके लिए प्रॉमिस किया है, क्या बर्निंग फ्लेम वैली अपने शब्दों से पीछे हटेगा? हमें पता है स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज बर्निंग फ्लेम वैली के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, लेकिन प्रिंसेस योर की लाइफ से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और मिस्टर यान शाओ ने बुद्धिस्ट पिल को रिफाइन करके प्रिंसेस योर की लाइफ को बचाया है। और तभी वहाँ पर मीटिंग हॉल का गेट ओपन होता है और प्रिंसेस योर के साथ जियाओ यान मीटिंग हॉल में आ जाता है। जियाओ यान को देखते ही बर्निंग फ्लेम वैली के ग्रेट एल्डर तुरंत पहचान लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को छुपाना बंद कर देना चाहिए। और फिर बताते हैं, इसका नाम यान शाओ नहीं बल्कि जियाओ यान है। यह जानकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। इसी के साथ यह नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो यहीं पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में जियाओयान की फाइट होने वाली है बर्निंग फ्लेम वैली के ग्रेट एल्डर से, और जियाओयान को मिलेगा स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस का सेकेंड और थर्ड फॉर्म। इसीलिए लाइक फॉर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।